बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं पर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्तराखंड राज्य की ओर से दिए गए 296 करोड़ और लगभग इतने की राशि के अंशदान को पर्याप्त बताते हुए शेष राशि के लिए रेल मंत्रालय और यूपी सरकार से आग्रह किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए टकनपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज की बजाय बाईग्रेज लाइन का सर्वे किया जाए। उन्होंने फाइनल लोकेशन सर्वे के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की मंजूरी का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रधानमंत्री की उत्तराखंड को बड़ी देन है, इस पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की डीपीआर के साथ ही रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाइन का भी निर्माण करने को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चर्चा के बाद अपने अधिकारियों को इस प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए।